गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर SST क्लास ऑनलाइन. डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास सेकंड, टुडे इज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 10, वर्ड मीनिंग. सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड, MEANING वर्ड मीनिंग. फर्स्ट इज फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स मिल गया. सेकेंड इज डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक मीन्स पालतू या घरेलू. थर्ड इज यूजफुल, USEFUL, यूजफुल मीन्स लाभदायक. फोर्थ इज वाइल्ड एनिमल, WILD ANIMAL, वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर. फिफ्थ इज नेस्ट, NEST, नेस्ट मीन्स घोंसला. सिक्स्थ इज फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स किसान. सेवन्थ इज ट्री, TREE, ट्री मीन्स पेड़. एट्थ इज वेरियस, VARIOUS, वेरियस मीन्स विभिन्न. नाइन्थ इज ब्रो, BURROW, ब्रो मीन्स बिल. टेंथ इज हनी, HONEY, हनी मीन्स शहद. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा? फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स मिल गया. सेकंड इज डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक मीन्स पालतू या घरेलू. थर्ड इज यूजफुल, USEFUL, यूजफुल मीन्स लाभदायक. फोर्थ इज वाइल्ड एनिमल, WILD, वाइल्ड, ANIMAL, वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर. फिफ्थ इज नेस्ट, NEST, नेस्ट मीन्स घोंसला. सिक्स्थ इज फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स किसान. सेवन्थ इज ट्री, TREE, ट्री मीन्स पेड़. एट्थ इज वेरियस, VARIOUS, वेरियस मीन्स विभिन्न. नाइन्थ इज ब्रो, BURROW, ब्रो मीन्स बिल. टेंथ इज हनी, HONEY, हनी मीन्स शहद. So dear students, I hope you understand these difficult words. You learn and write these difficult words in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you, beta. I hope you understand. Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube channel. I am your GK teacher. Students, today we discuss our chapter number 26, our festivals, हमारे त्योहार. Land, India is the land of फेस्टिवल्स. जो इंडिया है, भारत जो हमारा देश है, वो कैसा देश है? फेस्टिवल की लैंड है. यहाँ पर काफ़ी सारे त्यौहार मनाए जाते हैं. हेयर द फेस्टिवल्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ आर सेलिब्रेटेड. यहाँ पर सभी कम्युनिटीज़ के, सभी जाति के जो लोग रहते हैं, वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. आइडेंटिफाई द फेस्टिवल एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस गिवन बिलो. स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैव सम पिक्चर्स रिलेटेड टू फेस्टिवल्स. आपको वो रिकोगनाइज करनी है, रिकोगनाइज देम एंड राइट द नेम इन गिवन स्पेस. ए, रिलीजियस एंड सोशल फेस्टिवल्स. सोशल फेस्टिवल बताए गए हैं और कुछ धार्मिक फेस्टिवल्स बताए गए हैं हमारी पिक्चर्स में. सी, फर्स्ट पिक्चर, सम चिल्ड्रंस आर क्रैकिंग क्रैकर्स एंड A lady placing diyas in the bowl, on the bowl. So this is Diwali celebration, right? DIWALI, Diwali. Second picture, आप देख सकते हैं Christmas tree है पीछे, और एक Santa Claus is giving gift to childrens, gift दे रहा है. कौन सा festival है ये? CHRISTMAS, Christmas. क्रिसमस फेस्टिवल है हमारा. थर्ड वन इज गुरु पर्व, GURUPARV, गुरु पर्व. थर्ड फेस्टिवल कौन सा है? गुरु पर्व. फोर्थ इज ईद, फोर्थ हमारी पिक्चर कौन से फेस्टिवल की है? ईद की है. फिफ्थ वन इज दशहरा, DUSSHERA, दशहरा. जो हमारी फिफ्थ पिक्चर गिवन है चैप्टर में, ये एक रावण की, ये रावण का पुतला लगा हुआ है और चिल्ड्रंस काफ़ी सारे क्रैकर्स वगैरह जला रहे हैं. सो दिस पिक्चर शो द फेस्टिवल दशहरा, DUSSHERA, दशहरा. सिक्स्थ वन इज गणेश चतुर्थी, GANESH, गणेश, CHATURTHI, चतुर्थी. सेवन्थ पिक्चर है, टू चिल्ड्रंस आर ट्राइंग राखीज ऑन देयर ब्रिस्ट. सो सेवन्थ जो हमारी पिक्चर गिवन है इस चैप्टर में, ये क्या शो कर रही है? रक्षाबंधन फेस्टिवल, RAKSHA, रक्षा, BANDHAN,
रक्षाबंधन। एट्थ वन इज इन दिस चैप्टर आवर एट्थ पिक्चर इज कौन सा फेस्टिवल शो करती है, ओनम, ओ एन ए एम, ओनम। नाउ आवर बी पार्ट नेशनल फेस्टिवल्स, जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आवर फर्स्ट पिक्चर है रिपब्लिक डे, आर ई पी यू बी एल आई सी, रिपब्लिक डी ए वाई डे। सेकेंड इज इंडिपेंडेंस डे, आई एन डी ई पी ई एन डी ए एन सी ई, इंडिपेंडेंस डे। एंड थर्ड वन इज गांधी, जी ए एन डी एच आई गांधी, जे ए एन टी आई टी एच आई जयंती, गांधी जयंती। लेट्स रिवाइज अगेन आवर चैप्टर। फर्स्ट पिक्चर दिवाली, डी आई डब्ल्यू ए एल आई दिवाली। सेकेंड इज क्रिसमस, सी एच आर आई एस टी एम ए एस क्रिसमस। थर्ड वन इज गुरु पर्व, जी यू आर यू पी ए आर वी गुरु पर्व। फोर्थ वन इज ईद, आई डी ईद। फिफ्थ इज दशहरा, डी यू डबल एस एच ई आर ए दशहरा। सिक्स्थ वन इज गणेश चतुर्थी। सेवन्थ इज रक्षाबंधन, आर ए के एस एच ए बी ए एन डी एच एन रक्षाबंधन। एट्थ वन इज ओनम, ओ एन ए एम ओनम। आवर इन बी एक्सरसाइज आवर फर्स्ट वन इज रिपब्लिक डे, आर ई पी यू बी एल आई सी रिपब्लिक डी ए वाई डे। सेकेंड इज इंडिपेंडेंस डे, आई एन डी ई पी ई एन डी ए एन सी ई इंडिपेंडेंस डे। थर्ड वन इज गांधी जयंती। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर आवर फेस्टिवल, चैप्टर नंबर 26। फिल इट इन योर बुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग एंड ऑल्सो लर्न देम। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मनीषा, मैं मैथ टीचर फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। लेट वी स्टार्ट अवर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास सेकंड। माय डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 8.4। टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ए रोप इज 93 मीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स, रोप मीन्स क्या होता है, रस्सी। एक रस्सी 93 मीटर लंबी है। ए 26 मीटर लॉन्ग पीस इज कट ऑफ फ्रॉम इट। इसमें से 26 मीटर का एक लंबा पीस काट लिया जाता है। व्हाट लेंथ ऑफ द रोप इज लेफ्ट। हमें बताना है कि अब उस रोप की लेंथ क्या है। नाउ स्टेटमेंट इज लेंथ ऑफ ए रोप, एक रस्सी की लंबाई क्या है, 93 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, उस रस्सी में से स्टूडेंट जो पीस कट किया गया था उसकी लेंथ क्या है, 26 मीटर। नाउ लेंथ ऑफ द रोप इज लेफ्ट, अब जो रस्सी लेफ्ट रह जाती है उसकी लंबाई क्या है, जो टोटल हमें लेंथ गिवन है उसमें से जो पीस कट किया है उसकी लेंथ को हम माइनस कर देंगे। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीटर, पहले आपको मीटर राइट करना है। नाउ थ्री में से सिक्स माइनस नहीं होगा, नाइन से कैरी लेंगे, नाइन क्या हो जाएगा एट, और थ्री क्या हो जाएगा थर्टीन। थर्टीन में से सिक्स को माइनस किया सेवन, एट में से टू को माइनस किया सिक्स। सो स्टूडेंट्स द लेंथ ऑफ द रोप इज लेफ्ट 67 मीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द लेंथ ऑफ वन टेबल इज 140 सेंटीमीटर, एक टेबल की लेंथ गिवन हमें 140 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अनदर टेबल इज 160 सेंटीमीटर, एक दूसरी टेबल है उसकी लेंथ हमें गिवन है 160 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ द टेबल्स, स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है टोटल दोनों टेबल्स की लेंथ क्या है। लेंथ ऑफ द वन टेबल इज 140 सेंटीमीटर, एक टेबल की लेंथ क्या है 140 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द अनदर टेबल इज, सेकंड टेबल गिवन है जो उसकी लेंथ क्या है 160 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ द बोथ टेबल्स, दोनों टेबल की लेंथ क्या है, टेबल फर्स्ट और सेकंड की जो लेंथ हमें गिवन है उसको टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले सेंटीमीटर, आंसर में भी पहले आपको सेंटीमीटर राइट करना है। नाउ वी ऐड, जीरो में जीरो को प्लस किया जीरो, फोर में सिक्स को प्लस किया टेन, जीरो वन कैरी, वन में वन को प्लस किया टू, प्लस वन कैरी थ्री। सो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द बोथ टेबल्स इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से।
बच्चों कक्षा दूसरी में हमने किया था हिंदी व्याकरण में पार्ट 9, इसके कुछ प्रश्न मैं करा चुकी थी, आज मैं बाकी बचे हुए प्रश्न करा रही हूँ। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैंने आपको बताया था कि क्रिया क्या होती है, क्या होते हैं क्रिया शब्द, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। तो हमारा पहला वाक्य है, मोर नाचता है। यहाँ मोर क्या क्रिया कर रहा है, नाचने की क्रिया, ठीक है। तो यहाँ क्रिया शब्द क्या है, नाचता है, इसको हम ऐसे रेखांकित करते हैं, ठीक है। अभी हमारा अगला वाक्य है, फूल खिल रहा है। फूल खिल रहा है, यहाँ क्या क्रिया हो रही है, खिलने की क्रिया। तो क्रिया क्या होगी, क्रिया शब्द होगा खिल रहा है, इसको ऐसे रेखांकित कर देंगे, खिल रहा है। अगला वाक्य है, मालवी पत्र लिख रही है। यहाँ क्रिया हो रही है लिखने की, तो यहाँ हम लिख रही है को रेखांकित कर देंगे, यहाँ लिख रही है क्रिया शब्द है, इसे ऐसे रेखांकित कर देंगे, ठीक है। वे छात्र हैं, वे छात्र हैं, यहाँ होने को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया क्या है शब्द, ठीक है। यहाँ है को हम रेखांकित करेंगे, यहाँ कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ क्या है, होने को दर्शा रहा है, वे छात्र हैं, होने को कौन सा शब्द दर्शा रहा है शब्द, तो है यहाँ पर क्रिया शब्द है। अगला वाक्य है, अरुण कविता पढ़ेगा। यहाँ कौन सी क्रिया होगी, पढ़ने की क्रिया, तो यहाँ जो पढ़ेगा है वो क्रिया शब्द है, यहाँ इसे हम रेखांकित कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए, चलना। इससे हम वाक्य बनाएंगे, उसमें चल शब्द आना चाहिए, तो हम बनाएंगे, बच्चा धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है। तो कौन सी क्रिया हुई इस वाक्य में, चलना क्रिया। इसके बाद पढ़ना, तो इसमें क्रिया है, क्रिया शब्द है पढ़, ठीक है। तो यहाँ वाक्य बनेगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद है शब्द आना, यहाँ आ क्रिया हो रही है, तो यहाँ सब वाक्य हम बनाएंगे, पिताजी, पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसके बाद है सुनना, यहाँ सुन क्रिया हो रही है, यहाँ वाक्य बनेगा, दादी जी कहानी सुना रही है, सुना रही है। इसके बाद है हंसना, यहाँ हंस क्रिया हो रही है, और यहाँ वाक्य बनेगा, संगीता हंस रही है, हंस रही है। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको करा दिए, आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2. Today we will do hot's question of lesson 3 in science, that is other uses of plant. Name of our lesson is other uses of plant. Jo plants hote hain, ped paudhe hote hain, unke कुछ और उपयोग, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। नाउ वी विल स्टार्ट द हॉट्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स कंप्लीट करने, नीम, मेडिसिन, कॉटन प्लांट। तो नीम जो हमारा प्लांट है उससे हमें क्या मिलता है, मेडिसिन बनाते हैं। तो कॉटन प्लांट से हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइबर, FIBRE, आपको राइट करना है फाइबर, FIBRE फाइबर। नेक्स्ट है एक्सिया, एक्सिया
से हमें क्या मिलता है, जैसे साल से हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, साल के प्लांट से वुड मिलता है, तो एक्या प्लांट से हमें क्या मिलता है, ग्लू मिलता है, या गम राइट कर सकते हैं, जी यू एम गम, गम राइट करोगे जी यू एम गम, क्या मिलता है हमें, गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, पायल्स ग्रैंडपा वांट्स टू ग्रो मेडिसिनल प्लांट इन हिज गार्डन, विच ऑफ दीज ही माइट चूज टू प्लांट। जो पायल एक लड़की है, उसके ग्रैंडपा जो हैं, यानी ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं, वो क्या करना चाहते हैं, एक मेडिसिनल प्लांट अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, दवा, ऐसा प्लांट जिससे हम जिसका यूज़ हम दवाइयों में कर सके, ऐसा प्लांट वो लगाना चाहते हैं। तो वो कौन सा प्लांट लगाना पसंद करेंगे, नीम ट्री या तुलसी प्लांट, टर्मरिक या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे ये तीनों ही मेडिसिनल प्लांट हैं, नीम ट्री, तुलसी प्लांट और टर्मरिक, तीनों ही कैसे प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। तो टिक करोगे ऑप्शन 4th में, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है हमारा, लुक अराउंड एंड नेम 3 थिंग्स इन योर क्लासरूम दैट आर मेड ऑफ वुड। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखो, आसपास देखो, एंड नेम 3 थिंग्स, और 3 चीज़ों के नाम बताओ जो कि तुम्हारे क्लासरूम में है और किसकी बनी है, मेड ऑफ वुड, जो कि किससे बनी हो, वुड यानी लकड़ी से बनी हो। तो आंसर राइट करोगे नंबर 1, 2 और 3 डाल के हम थिंग्स के नेम लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखना है टेबल, TABLE टेबल, TABLE टेबल। सेकेंड है बेंचेस, BENCHES बेंचेस, जिस पे हम बैठते हैं। थर्ड हमारा डोर्स है, DOORS डोर्स, जो दरवाज़ा है क्लासरूम का, वो किससे बना होता है, वुड से बना होता है। टेबल जो होती है वो वुड की होती है, TABLE टेबल, BENCHES बेंचेस, और थर्ड है हमारा डोर्स, DOORS डोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस हॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 डू इन योर फेयर साइंस नोटबुक विद वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Now we will start our video of class 2nd English reader. In our last video, we have completed chapter reading, book exercise and question number 1 to 5. And now we will start from question number 6. So let's start. Question number 6. Who married her? Who married her? Her means Rani Lakshmi Bai. Jo Rani Lakshmi Bai thi, unki shaadi kisse hui thi? आंसर होगा सी गोट मैरिड टू गंगाधर राव द किंग ऑफ झांसी। तो उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रेजेडी हैड टेकन प्लेस इन हर लाइफ। उनकी उनका जो जीवन था उसमें जो दुखद त्रासदी थी वो क्या हुई थी। तो क्या था बेटा आंसर, वहन दामोदर राव वो जस्ट अ चाइल्ड, जब दामोदर राव एक बच्चा था, ही लॉस्ट हिज फादर, उसने अपने पिताजी को खो दिया था, द किंग ऑफ झांसी, जो कि झांसी के राजा थे, मीन्स जो झांसी के राजा गंगाधर राव थे उनकी डेथ हो गई थी जब दामोदर राव बिल्कुल छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड ब्रिटिशर वार अगेंस्ट लक्ष्मी बाई, जो ब्रिटिश लोग थे वो रानी लक्ष्मी बाई के विरुद्ध क्यों थे। द ब्रिटिशर वॉन्टेड टू कॉन्क्यूर झांसी, जो ब्रिटिश लोग थे वो झांसी को जीतना चाहते थे, और कंट्री वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल उस समय, एट दैट टाइम, उस समय जो हमारा देश था वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, बट रानी लक्ष्मी बाई वो जा ग्रेट क्वीन ऑफ झांसी, लेकिन जो रानी लक्ष्मी बाई थी वो एक महान रानी थी झांसी की, सी वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, लेकिन वो क्या थी, उस ब्रिटिश रूल के बिल्कुल विरुद्ध रहती थी। क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ ब्रीफ
डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्डहुड ऑफ लक्ष्मी बाई, संक्षेप में जो रानी लक्ष्मी बाई का बचपन था उसके बारे में बताइए। तो बचपन से कैसी थी बेटा? शी वॉज वेरी ब्रेव सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से बहुत बहादुर थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ डिड सी फेस द चैलेंज ऑफ द ब्रिटिशर, उन्होंने कैसे जो ब्रिटिश लोग थे उनका चैलेंज स्वीकार किया, तो क्या किया था उन्होंने उनके? सी फोट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी वेरी ब्रेवली, जो ब्रिटिश की आर्मी थी सेना थी वो उनके विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़ी थी बहादुरी से। रानी लक्ष्मीबाई सैक्रिफाइड हर लाइफ फॉर हर मदरलैंड, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपना जो जीवन है वो बलिदान दे दिया था किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।